अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजा उस्मान और आप लोगों को एक और व्लॉग में खुश आमदीद। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग इस तरह इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज जो है मेरी बहन बनाएगी विंग्स। पहली दफा कुछ बनाने लगे, पता नहीं अब कैसे बनते हैं, सावर बनाएंगे, खट्टे मिलेंगे या मीठे मिलेंगे। अभी मेरे माइंड में जो एक आइडिया है वो मैं आप लोगों को चलकर बताता हूँ। जी शायद वो चिकन जो आपे बनाने लगी है, और मेरे माइंड में एक आइडिया है कि इसके अंदर जो है या तो इसके अंदर ये सॉल्ट डालूंगा या ये डालूंगा, क्योंकि खराब तो मैं इसको करके दूंगा। इतनी काफी है। A few moments later. देखिए डाले, मतलब डालने लगूंगा। अच्छा आधी चीजें आप ही ने डाल भी नहीं है, मेरा इंतजार भी नहीं किया वीडियो बनाने का। मैं तो इसके अंदर पानी छोड़ के गया था, ऊपर से मैंने इसके अंदर ये डाला था, मुझे क्या पता था अभी इतनी आगे पहुंच गई है। तो इसके अंदर क्या क्या डाला है जो इतनी आगे पहुंच गई हो? ठीक है, ये मैं कोटिंग लिक्विड वाली तैयार कर रही हूँ। अच्छा, विंग्स के मैरिनेशन के लिए मैंने जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट सभी कुछ डाला है। ठीक है, उसके बाद इसकी मैरिनेशन के बाद अब मैं जो है इसकी कोटिंग तैयार की है। ये इसकी ड्राई कोटिंग है और ये इसकी जो है लिक्विड वाली कोटिंग है। लिक्विड में अभी इसके में एक अंडा डलेगा और ये ड्राई कोटिंग के 2 स्पून डलेगा। याद रहे कि कुकिंग चैनल नहीं है, सिर्फ ये फूड है, सिर्फ मैं खा के दिखाऊंगा बस। ये मैंने आज कैमरा खोली और रेसिपी शूट करूँ जो आप ही बना रही है। आपका क्या कहना है, इसको कोई भी बना सकता है विंग्स को अपने घर में या फिर नहीं? अब जा रहा है इसके अंदर एग जो कि आप ही ने खराब कर दिया था। लग रहा होगा लेमन जूस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जा रहा है, ये उनको पता होगा जो कुकिंग करते हैं, मुझे तो अभी कुछ नहीं पता इसके अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं। और आप भी शायद अगर उनको थोड़ा सा बोल देंगे इसके अंदर क्या क्या डाला है। नहीं, आपको कहती जा तो मैं रुक गया था, लेकिन अब नहीं मैं रुकूंगा, अब मैं डाल के रहूंगा। ये सॉल्ट, ये सारी चीजें एक एक चम्मच में और डालूंगा। मजे डाल दूं इसके अंदर सब कुछ। मत जल्दी 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 वो ना आ जाए। डरता नहीं हूँ मैं किसी से, डाल के रहूंगा मैं। पहले मैंने नहीं किया, अब मैं करके रहूंगा। जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ खराब करने की, उतना ही खराब हो रहा, और मुझे लग रहा है अंदर से बाबा नहीं आ जाने। इसलिए जो है मैं ना अपनी बहन को थोड़ा कम तंग करता हूँ। बता दोगी आप क्या करी हो? नजर नहीं आ रहा। बैक टू वर्क गाइस, अब देखते हैं आप ये क्या करिए। गाइस आप लोगों को चलो, खैर कोई बात नहीं, छोड़ जो है वो आप ही ने जो लिक्विड वाला बनाया था पहले उसके अंदर डिप करके, अब जो है शायद ही मैदा और आप ही ने कुछ चीजें और डाली हैं उसका, आप ही क्या करिए कोटिंग करके इसके अंदर प्लेट के अंदर रख दिया। अभी का जो है बस अब काम खत्म होने लगा है। मुझे लगता है आखिरी स्टेप वो है फ्राइंग का। इतनी मसाले वाली मैं बात कर रही थी कि मैं ऐसे विंग्स बनाऊंगी कि कभी मुझे दोबारा नहीं कहेंगे, कहूंगा भी नहीं जितने बुरी आपने बनाने हैं। अभी कुछ डाल लगो तो मसाला, अभी ये डाल लगा तो फिर मसाला पता नहीं। आपको मसलों के अलावा कुछ आता ही नहीं। मैंने अपने मुँह से कहा कि मैं इसको डालू। 2000 साल बाद, वैसे असल में 2000 साल हो ही नहीं है, आप ही का जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब जो है सिर्फ रह गया फ्राइंग, उसके बाद रह गया खाना। सबसे अच्छा काम है इन सबके अंदर। अब जो है इनको फ्राई करिए, लेकिन ये भी बता दो इनको कब तक फ्राई करना है, इनको कब तक फ्राई करना है? जब तक ये पक ना जाए। आप ये रोस्टिंग बाद में करें ना, तो कब तक करना है ये? जब तक ये फ्राई ना हो जाए इनको तब तक करना है जब आप लोगों को लगे ये लाइट ब्राउन हो गए हैं और सही हो गए, तब इनको आप बाहर निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा तशक तो मैं कि थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब जो आप लोगों इसे बाहर निकाल लेना है। ध्यान से निकालना जी, मुझे पता है आपको ज़्यादा लेक्चर देने की। अच्छा जो भी है लेक्चर तो मैंने आपको देना है क्योंकि आपको ज़रूरत है। मेरे ऊपर ना छींटे डाल देना। अब ऐसे तो आपको 100 साल लग जाने हैं। तो लग जाए, मैं बैठी हूँ। 100 साल बैठी हो, चलो बैठी रहो फिर। जो अभी अभी मैं विंग्स खा के हैं वो बहुत ही ज़्यादा जूसी से बड़ी मज़े के थे, मुझे यकीन भी नहीं आया। और जो आप ही ने उसकी कोटिंग की थी, जैसे वो कह रही थी ज़्यादा कोटिंग करेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, और जो आप ही ने ऊपर कोटिंग की थी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी वो। और जितना मज़ा मुझे आया ना वो खाने का, और कभी मैंने ऐसे विंग्स नहीं खाए जो आज खाए घर में। अगर आप लोगों को आज का ये छोटा सा ब्लॉग तो खैर ही नहीं था, छोटी सी रेसिपी जो कि मेरी आप ही ने नहीं थी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट मस्ट मस्ट। अल्लाह हाफिज़।